हेलो गाइस, वेलकम टू कैट 180 रेविट आर्किटेक्चर। और पहले आपको बता दूं, प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब बटन पे, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप आ जाइए इस बेल आइकन पे, क्लिक कीजिए फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जो भी वीडियो मैंने डालूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा। तो बी द फर्स्ट वन। सो अब रेविट आर्किटेक्चर में मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्लोर के बारे में दिखाया था। अब इस वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप जो शाफ्ट है वो यूज़ करोगे। बहुत तरीके का शाफ्ट है, आपको पता होगा, अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है जिनको वो देख ले, वो समझ ले, ठीक है। ये जो है ओपनिंग पार्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने डॉर्मर का बता दिया, आप पर लिंक पे भी डॉर्मर आ रहा होगा, अब देख लेना डॉर्मर का, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से दिखाया है डॉर्मर कैसे ड्रॉ कर सकते हो आप, तरीके से ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। आप एक बार मेरा ट्यूटोरियल देख लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अब मैं बाकी जो है वो आपको दिखाऊँगा। तो बाकी चीज़ें आपको ये लगता है कि कहाँ पर यूज होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। मान लीजिए कोई वॉल है, तो वॉल के एक साइड पे आपको थोड़ा सा ओपनिंग करना है, वहाँ पर कोई डोर नहीं है, कुछ नहीं है, बस ओपनिंग। जैसे मान लीजिए स्पेयर हेड में कभी कभी हम ओपनिंग रखते हैं, या फिर हम करते हैं इंटरनली किसी बिल्डिंग के इंटर पार्ट पे, जब कोई किचन हो या वॉल हो वहाँ पे जो है एक ओपनिंग रखते हैं। आप कभी गए होंगे रेस्टोरेंट पे तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे कुकिंग कर रहा होता है तो उसके बगल में जो वॉल होता है जहाँ से सारे लोग खाना लेते हैं, सर्व करते हैं जो, तो वहीं से दे देते हैं आपको, ओपनिंग से दे देते हैं। तो ये सब टाइप के ओपनिंग के लिए आपको ये सब यूज़ करने हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं, मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। पहला जो यूजेस है आपको दिखाऊंगा बाई फेस। आप बाई फेस से कैसे कर सकते हो, ठीक है, बाई वॉल भी कर सकते हो, बाई फेस से आप ओपनिंग रूफ का भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास रूफ है, मेरे पास वॉल है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाई फेस से कैसे करोगे। सो पहला जो है आपको एक साइड ले लेना पड़ेगा जिस साइड पर आप ओपनिंग बनाना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि करते हैं वॉल का है, ठीक है। तो हमने एक वॉल चूज किया, किधर चूज किया ये देखना है पहले। अगर चूज करना है तो पहले इस साइड को करते हैं, वॉल लेते हैं, एक साइड पे चूज कर रहा है, पानी इस साइड पे चूज किया। तो यहाँ पे जो है वॉल ड्रॉ करना है, तो ये बन गया आपका ओपनिंग, राइट। ये हो गया आपके एक ओपनिंग। अभी आप स्किप बटन दबा के इसको कम या ज्यादा कर सकते हो, घटा या बढ़ा सकते हो, राइट। ऐसे से ये बन गया एक ओपनिंग मानिए, तो ये बाई वॉल का है, सो ये वॉल का ओपनिंग बन गया, ठीक है। अब जो बनाना है आपको बाई फेस का बनाना है, ठीक है। तो फेस का बनाने के लिए मैंने ऊपर का फ्लोर जो है ले लिया, उसके बाद एक ओपनिंग डाल, तो यहाँ पे एक ओपनिंग बन गया। अब आपको लगेगा ये ऊपर का जो ओपनिंग है वो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रूफ के ऊपर टॉप में एकदम कांच का एक ओपनिंग बना रहता है, ठीक है। तो वो कैसे करोगे आप, सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे जाना है, आपको कंपोनेंट जाना है, जेनेरिक मॉडल्स, टॉप व्यू सिलेक्ट कर लेना है, कंपोनेंट में जाना है, जेनेरिक मॉडल्स जाना है, इसको चूज करना है, ठीक है, इसके एंड टू एंड इसको रख देना है, ओके करना है, ऊपर जाना है, मॉडल को जो है आपको इस फ्लोर के एंड तक लाना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधा जा सकते हो, कांच का जितना भी थिकनेस हो उतना दे सकते हो। देने के बाद ये अभी ग्लासेस हुआ नहीं है, इसको भी करना है ग्लासेस,
मटेरियल में जाइए, जैसा भी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हो। क्लास यहाँ पे ग्लेजिंग अप्लाई करते हो, हो गया आपका ग्लेजिंग राइट, हो गया आपका कांच। ठीक है, ऐसे एक ओपनिंग आप ऐसे बना सकते हो राइट। उसके बाद जो ओपनिंग है वो है शाफ्ट का, वर्टिकल का। अब ये वर्टिकल ओपनिंग जो है वो सिंपल है, बाई फेस ओपनिंग की तरह ही है। ठीक है, आप वर्टिकली कर सकते हो इसको, यहाँ पे किसी को भी ले, यहाँ पे वॉल पे ले सकते हो आप, लेके फिर वर्टिकली आप ड्रॉ कर सकते हो कैसे। ठीक है, और जो शाफ्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शाफ्ट हम ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं जहाँ पे हम मान लीजिए स्टेयर करना है। ठीक है, तो स्टेयर के साइड पर हम शाफ्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हो मुझे एक यहाँ पे स्टेयर चाहिए, मान लेते हो मुझे यहाँ पे स्टेयर चाहिए, ये मुझे एक स्टेयर चाहिए, तो इस स्टेयर पर भी मेरा चले ये ऊपर फ्लोर तक जब तक जाएगा, तो उसके हिसाब से मुझे जो यहाँ पे फ्लोर रहेगा वो तो पूरा ब्लॉक रहेगा, तो उसको मुझे हटाना है। उसके लिए हम लोग शाफ्ट यूज़ करते हैं। तो शाफ्ट कैसे यूज़ करते हैं, हम टॉप में चले जाते हैं, टॉप में जाके यहाँ पर शाफ्ट फ्लोर प्लान खोलते हैं, और ये जो है शाफ्ट रेक्टेंगुलर है तो आप रेक्टेंगुलर यूज करिए। ठीक है, तो यहाँ से शाफ्ट देते हैं, क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जाते हैं फ्लोर पे, फिर शाफ्ट को हम एडजस्ट कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे ब्लिंक आएगा, इसको क्लिक करना है, तो ये जो है ये शाफ्ट का पार्ट। ठीक है, जब फ्लोर ड्रा करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे होता है। तब आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे हम, तो देखिए इस शाफ्ट के पार्ट से आप पूरा खाली हो। ठीक है, तो ऐसे हम शाफ्ट करते हैं। और पिछले बार मैंने डॉर्मर दिखाया था, तो ये वाला पार्ट जो है आपका कंप्लीट हुआ। आप एक बार फिर से करो तो फिर अच्छे से जान पाओगे। तो ये रहा आज का ट्यूटोरियल, आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कुछ नया तरीका है तो मुझे बताइए, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं एक चीज़ के लिए, बहुत सारा तरीका है रेविट में, इस तरीके बहुत ज़्यादा पसंद है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।